अभी हमारे बीच एक ऐसी अजीम शख्सियत का की आमद का एक जलवा है दोस्तों, जहां अमित शाह ने एनआरसी एनआरपी लगाने की कोशिश और जद्दोजहद करने की उमंग ठानी है, तो वही एनआरसी और सीए एनआरपी को खत्म करने के लिए हैदराबाद की सरजमीन का एक सपूत बालिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी ने इस बात का ऐलान किया है। ऐ हिंदुस्तान के बासिंदों, ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, इस बात को जान लो, तुम्हारा भी कोई आंसू पोंछने वाला हम दर्द और मसीहा मौजूद है। शर्त ये है ऐ मिल्लत के नौजवानों, अपने आप को इत्तेहाद को मजबूती के साथ थामने की कोशिश करो। यकीनी है दोस्तों, हर कौम के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर जात के अंदर अपनी अपनी पार्टियों का लीडर शुमार किया जाता है। एक मामूली देखिए दोस्तों, जीतन राम ब्रह्मान जी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, उसी जगह मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी जगह अपना लीडर इंतखाब कर रहा है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों, यकीन जानो, जहां इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बातें आती है तो लोग चू में चू गोइया करते हैं कि ये लोग बीजेपी से मुंसलिफ हैं। यकीनी है दोस्तों, अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं, जाल हक व जहक अल बातिल इन अल बातिल कान जहूका। मेरे दोस्तों, आप हमारे सरजमीन पे अगर असीम शख्सियत अगर मौजूद हो जाए, और मैं यकीनी के साथ कहूंगा, बड़े बड़े जलसों में दोस्तों जहां अख्तर ईमान साहब अपनी बात रखते हैं, वो यकीनी है दोस्तों वहां दिल की अमीर गहराइयों से मैं सैदी आपके सामने मतनबे करना चाहूंगा। फैसला आपके हाथों है, फैसला आपके साथ है, इस शेर के साथ जिस देश का रहबर रहजन हो उस देश का आलम क्या होगा, जिस देश का रहबर रहजन हो उस देश का आलम क्या होगा। बर्बादे गुलिस्ता के लिए तो सिर्फ एक उल्लू काफी है, यहाँ बर्बादे गुलिस्ता के लिए तो सिर्फ एक उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता भी न होगी दास्तानों में। इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा नुमाइंदा अख्तर ईमान अगर पार्लियामेंट की सरजमीन पे अगर जाता है तो मेरे दोस्तों जहां दो शख्सियत मिलके जब काम करते हैं तो मेरे भाइयों अजीम हमारे गरीब और बेकस बेसहारा की इमदाद के लिए अल्लाह सुभान व तआला ऐसी शख्सियत को बनाया है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, 26 को आप मेरे दोस्तों पतंग पे, आप पतंग पे पतंग दबा पर मेरे दोस्तों अख्तर ईमान को पार्लियामेंट भेजने का काम कीजिए, अल्लाह ताला आपको सजाए खैर अता फरमाएंगे। वाखुर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।